जय हिंद, वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे कैलोरीमेट्री। अभी तक हमने कैलोरीमेट्री के दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए। सेकंड लेक्चर के एंड में हम ये चीज़ देख रहे थे कि भाई साहब आप कितनी हीट देंगे ताकि एक कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर किसी गिवन टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर में चेंज हो जाए। ऐसे हम बात कर रहे थे कितनी हीट देंगे या फिर कितनी हीट देंगे, उस चीज़ पर हम चर्चा कर रहे थे। तो वो सिंपल था और उसी का यूज़ करते हुए अभी हम आज आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस की। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है? आपको ऐसे बोल देगा कि एक मतलब 20 ग्राम वाटर है एट 40 डिग्री सेल्सियस, फिर बोला 30 ग्राम वाटर है एट 80 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे ही होता है ना भाई, हम एक कोई सब्सटेंस उसका टेम्परेचर इतना है, दूसरे का टेम्परेचर इतना है, दोनों को मिक्स करते हैं तो फाइनल टेम्परेचर वगैरह हमें प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी ज़रूरत पड़ती है। अभी हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। देखिए होता क्या है, जब आप मिक्स करते हैं कि दो सब्सटेंस को आप मिक्स करते हैं तो वो हीट का फ्लो होता है दोनों के बीच में। जब दो सब्सटेंस को मिक्स करेंगे तो हीट का फ्लो होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हीट को देगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा वो हीट को लेगा। अब तब तक हीट फ्लो होता रहेगा जब तक आपके पास में दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तब कोई हीट फ्लो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सराउंडिंग का टेम्परेचर है कुछ 30 डिग्री सेल्सियस लेट अस अस्यूम, और मेरी बॉडी का टेम्परेचर, तब तक मेरी बॉडी और सराउंडिंग हीट फ्लो करवाते रहेंगे जब तक तो दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो ये बात तो फैक्ट है भाई, जब आप कभी भी दो चीज़ों को जिनका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है उनको जब आप एक साथ लेके आते हैं तो दोनों में हीट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। और कब तक हीट फ्लो होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इस वाले फिनोमेनन में होता क्या भाई, जितनी हीट किसी ने दी, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ने हीट दी तो दूसरी उतना ही हीट लेगा भाई। हीट गिवन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अनदर बॉडी, तो यही चीज यहां पे वैलिड होगा। तो लो, अगर आप बात करें मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस हम ये देखते हैं कि व्हेन, क्या बोल सकते हैं हम इसे, व्हेन सब्सटेंसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर विल बी मिक्स्ड विद ईच अदर। तो क्या होगा भाई, अगर आप मिक्स करेंगे देन हीट फ्लो विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, विल टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, हीट का फ्लो होगा। और हीट के फ्लो के बारे में हम पहले जान भी चुके हैं, हीट का फ्लो होता है जब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हो। एंड फाइनली दे विल अटेन एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जब आप मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर है आपके पास है, वो कम ज़्यादा होगा, फाइनली उनका एक टेम्परेचर बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, दे विल अटेन एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है भाई, मतलब आप जब भी, जैसे मान लीजिए गर्म पानी ठंडा पानी हम मिलाते हैं तो फाइनली पानी का टेम्परेचर एक फाइनल टेम्परेचर बन जाता है, वो जो ज़्यादा वाला है उससे कम है, कम वाला ज़्यादा। जैसे मान लीजिए पानी है 80 डिग्री पे, ठंडा पानी है आपका 20, दोनों मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर 20 और 80 के बीच में आपको दिखाई देगा। तो इस वाले फिनोमेनन में आप ये सीख सकते हैं कि जब आप दो या फिर ज़्यादा सब्सटेंस जब मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से उनके बीच में हीट का फ्लो होता है और फाइनली वो एक टेम्परेचर को अटेन करते हैं। इस वाले केस में होगा कि आपके पास में, आप ये बोल सकते हीट लॉस बाय सब्सटेंस, भाई कोई एक सब्सटेंस हीट लूज करेगा आपके पास में, वो जितना हीट लॉस करेगा उतना ही आपके पास में क्या होगा, हीट गेन बाय सब्सटेंस। भाई ऐसा हो सकता है, तीन चार सब्सटेंस है, तो कुछ ने हीट लूज किया, कुछ ने हीट एब्जॉर्ब किया, तो भाई साहब जो नेट होगा भाई, जितनी हीट आपके पास में लॉस हुई और जितनी हीट गेन हुई उनका सम आपके पास में क्या रहेगा, बराबर रहेगा आपके पास, मतलब दोनों की वैल्यू आपके पास बराबर रहेगी। ठीक है, अब इसमें ना दो केस बनते हैं आपके पास में। सबसे पहले तो ये, जैसे दो केस हैं आपके पास, एक केस तो ऐसा हो सकता है जो मिक्सिंग आप कर रहे हैं सब्सटेंस की वो सब सेम फेज के हैं। आपको बोला गया अभी एक पानी है 20 डिग्री पे, एक पानी है 50 डिग्री पे, एक पानी 80 डिग्री, तो तीनों में पानी है, तीनों का फेज क्या है आपके पास सेम है। एक तो वो वाला केस हो सकता है व्हेन आपके, जब आपके पास फेज क्या है आपके पास तीनों का, मतलब जितने भी सब्सटेंस आप मिक्स कर रहे हैं सबका फेज सेम है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक पानी लिया 40 डिग्री सेल्सियस पे और एक आपने आइस ली -30 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसमें ये एक अलग केस हो जाएगा। इसमें क्या होगा आपके पास में दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि एक वाटर का फेज है, एक आपके पास में सोलिड फेज है, एक लिक्विड फेज है, एक सोलिड फेज है। तो इस वाले केस में आपके पास दो फेज बन सकते हैं और सवाल इसके बहुत आसानी से हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम दो केस लेंगे। हम सबसे पहले बात करें केस वन की, अगर आप बात करेंगे व्हेन
ऑल मिक्सिंग सब्सटेंस, व्हेन ऑल मिक्सिंग सब्सटेंस आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, सभी आपके सेम फेज में है, या तो सभी लिक्विड है या फिर सभी गैस है या फिर सभी सॉलिड है। समझ में आ रही है बात? केस टू क्या हो सकता है? व्हेन मिक्सिंग सब्सटेंस हैव डिफरेंट फेज, हैव डिफरेंट फेज। समझ में आ रहा है? अगर आप फील के लिए समझो तो आप ये बोल सकते हैं इसमें क्या होगा, एक पानी है 20 डिग्री पे, एक पानी है 50 पे, एक पानी है 70 पे, तीनों पानी पानी है। इस वाले केस में क्या होगा भाई साहब, एक बार पानी होगा 40 डिग्री मान लीजिए पानी है, अब उसमें आइस मिक्स कर देंगे फिर उसमें स्टीम मिक्स कर देंगे, तो वो वाला केस टू में चला जाएगा और ये केस वन में आएगा। सबसे पहले हम केस वन पढ़ेंगे, आपसे नीट में पूछने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ये बहुत ईजिली हो जाता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें इस वाले केस के अंदर, तो पहले हम इसको समझते हैं और ये बहुत ही आसानी से आपके पास में हो जाएगा। और मैं आपको आइए मैं इसको आगे देख के चलते हैं हम इसको, और इसको थोड़ा समझते हैं ना कैसे इसके सवाल हम सोल्व करेंगे। आप इसको छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं केस वन की, केस वन में क्या था कि जो जितने भी सब्सटेंस आप मिक्स कर रहे हैं सबका फेज आपके पास में सेम है, तो इस तरीके के सवाल कैसा होता है, तो देखिए इसमें आप क्या बोलते हैं भी, जैसे मैंने दो सब्सटेंस को आपने मिक्स किया, मतलब एक सब्सटेंस ए एक सब्सटेंस बी, दो को आपने मिक्स किया, तो क्या वो कोई एक सब्सटेंस हीट को रिलीज करेगा और दूसरा इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो रिलीज करेगा उसका टेम्परेचर घट जाएगा, जो एब्जॉर्ब करेगा उसका बढ़ जाएगा। अगर आपके पास में तीन से चार सब्सटेंस होंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ सब्सटेंस हीट को रिलीज करेंगे और कुछ हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो एक अपने एक स्टैंडर्ड मेथड दे रहे थे जिससे आपके पास कितने भी फ्लूड होंगे आप उसे कर पाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आप ये इसमें जब ऐसा मिक्सिंग हो आपके पास, जैसे आपके पास में एक है ये M1 है और ये ऐसे T1 है, M1 मास है इसको T1 टेम्परेचर पे, एक M2 है इसका टेम्परेचर कितना है T2, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे M3 है इसका टेम्परेचर ऐसे कुछ T3 है, इन तीनों को मान लीजिए आप ऐसे मिक्स करते हैं, ऐसे इन दिनों आप क्या करते हैं ऐसे मिक्स करते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर कितना बन जाएगा, फाइनल टेम्परेचर कुछ मान लीजिए TF बन गया, TF फाइनल टेम्परेचर हो गया। अब आप इस TF की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, कुछ तो हीट को रिलीज करेंगे, कुछ कुछ हीट को क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे। अब हमें नहीं पता भाई साहब कौन रिलीज करेगा कौन एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज दो में समझ में आता है भाई साहब, अगर दो सिर्फ दो ही सब्सटेंस होंगे तो एक रिलीज करेगा एक एब्जॉर्ब करेगा, पर तीन या चार होंगे तो देखने में दिक्कत होगा भाई साहब कौन रिलीज कर रहा है कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस वाले केस में मान लीजिए आपने TF लिखा, अब आप ये मान लीजिए TF सबसे बड़ा है, एक बार के लिए आप मान लीजिए TF सबसे बड़ा है, तो आप क्या लिखेंगे, ये जो हीट रिलीज करेगा भाई, अगर मैं ये बोलूं नेट हीट रिलीज बाय ऑल, नेट हीट रिलीज बाय नेट नेट हीट की बात, नेट हीट समझ में आता है, मतलब एब्जॉर्ब और नेट हीट फ्लो कितना हो जाएगा आपके पास में, जीरो हो जाएगा। नेट हीट फ्लो जीरो कैसे हो जाएगा, फिर कोई हीट देगा कोई हीट देगा, तो जो नेट हीट फ्लो आएगा वो कितना आएगा आपके पास में, जीरो आएगा। तो आपको कैसे करना होता है, आपने फाइनल टेम्परेचर कुछ TF मान लिया, अब आप देखिए ये कितना हीट रिलीज करेगा आपके पास में, दैट इज M, इसकी स्पेसिफिक हीट कुछ S1 मान लेता हूँ, इसे कुछ S2 मान लेता हूँ, इसे कुछ S3 मान लेता हूँ, तो आप कहेंगे दैट इज M1 S1 T फाइनल माइनस T1। तो मैंने माना ये भी हीट रिलीज कर रहा है और मैंने माना कि सॉरी हमने ये मान लिया भाई साहब कि ये टेम्परेचर सबसे बड़ा, ऐसे मान लीजिए ना आप सबके सब क्या कर रहे होंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे भाई साहब, नेट हीट एब्जॉर्ब तो जीरो ही होगा ना आपके पास में। सोच के देखिए अगर मान लीजिए 100 जूल हीट रिलीज हुआ आपके पास तो 100 जूल एब्जॉर्ब भी होगा, तो अगर आप बात करें नेट हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, भाई जितना रिलीज हुआ उतना एब्जॉर्ब, नेट हीट में जो चेंज आएगा वो जीरो आएगा ना आपके पास। तो मैंने बोला भाई साहब इसकी हीट में कितना, दैट इज M S T फाइनल माइनस T1, इसको अगर आप लिखें दैट इज M S2 T फाइनल माइनस T2, प्लस यहाँ पे आपने लिखा दैट इज M S3 T फाइनल माइनस T3 इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया, मैंने ऐसे बोला भी इसने कुछ हीट खाया Q1 मान लीजिए, इसने कुछ हीट खाया Q2, इसने कुछ हीट कितना खाया Q3, ऐसा तो मैंने क्या लिखा, सबने हीट खाया, सबका हीट एब्जॉर्ब्ड है, तो ये जीरो के बराबर आएगा। क्यों जीरो के बराबर आएगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, आप सोच के देखिए मैं आपको इस चीज़ समझाता हूँ, उसे आपको आइडिया रहेगा थोड़ा। मान लीजिए आपके पास में ऐसे एक 10 ग्राम है वाटर आपके पास में कुछ 20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे कुछ 30 ग्राम है आपके पास 80 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब आप जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर आपके पास में किसके बीच में आएगा, 20 और 80 के बीच में आएगा, तो आप मान लीजिए कुछ फाइनल टेम्परेचर TF है,
टीएफ है। तो अगर मान लीजिए इसने कुछ आपके पास में मान लीजिए कुछ 60 जूल हीट को खाया इसने फाइनली, तो ये क्या करे, इसको 60 जूल रिलीज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूँ भाई साहब इसने भी एब्जॉर्ब किया, इसने भी एब्जॉर्ब किया, पर इसने एक्चुअली एब्जॉर्ब नहीं किया, इसने क्या किया, रिलीज किया। तो अगर आप इसको एब्जॉर्ब लिखेंगे, मैं समझ में आ रही है मेरी बात, इसने क्या क्या किया, इसने किया एब्जॉर्ब, इसने क्या किया बच्चों, रिलीज किया। तो अगर मैं ये मान लूं भाई साहब कि नेट क्या चेंज हुआ, तो भाई साहब जितनी एब्जॉर्ब हुई उतनी की उतनी रिलीज हो गई आपके पास। तो अगर आप ये मान लें कि भाई टीएफ सबसे बड़ा है, टीएफ सबसे बड़ा है, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव आएगी, एम एस टी फाइनल माइनस 20, ये तो पॉजिटिव आएगी, पर यहां पे अगर आप देखेंगे एम एस टी एफ माइनस 80 तो नेगेटिव आ जाएगा, और दोनों का सम आपका जोड़ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई अगर आप इसको सबसे बड़ा मान लें, जैसे मान लीजिए ये वाला टेम्परेचर कुछ मिक्स करने पे आपके पास में 60 डिग्री बना, लेट अस ज्यूम, तो ये कितना है 60 माइनस 20, ऐसे ही किया ना, टी एफ माइनस टी वन किया 60 माइनस 20, यहाँ पे 60 माइनस 80, तो अपने आप ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो अपने आप ये वाली प्लस कुछ वैल्यू आएगी, माइनस आएगी, नेट करके कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अब क्या करना है, जब भी आपके ऐसे मिक्सिंग हो तो आप एक फाइनल टेम्परेचर मान लीजिए टीएफ, अब मान लीजिए एक बार के लिए टीएफ सबसे बड़ा है, टीएफ सबसे बड़ा है तो आपने सबने हीट एब्जॉर्ब किया होगा, आप उस हिसाब से एक्सप्रेशन लिख दीजिए, पर ये तो गलत, ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी ने एब्जॉर्ब किया होगा, किसी ने रिलीज किया होगा। तो जिसने रिलीज किया होगा वो टर्म अपने आप मैथमेटिक के हिसाब से नेगेटिव बन जाएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे कट करके जीरो के बराबर आने चाहिए। अप्रोच समझ लीजिए क्या करना होता है बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आपके पास में है मिक्सिंग का, तो आप मान लीजिए पूरे मिक्सर का टेम्परेचर कुछ टी बन गया, और मान लीजिए वो टी सबसे ज्यादा है, आप उसके हिसाब से इक्वेशन लिख दीजिए, भैया हर एक की इक्वेशन लिखिए और उसको आप जीरो के बराबर कर दीजिए। समझ में आ रहा है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने तो ये मान लिया कि टी एफ सबसे बड़ा है, तो हमारे हिसाब से तो ये हो गया कि सब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है भाई, कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई रिलीज कर रहा है। तो अपने आप जैसे मान लीजिए कोई रिलीज कर रहा हो, तो अपने आप ये टर्म नेगेटिव बन जाएगी, अपने आप कट होकर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो ये मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन सही रहेगा। कर पाएंगे आप ऐसा, आइए अपने एक सवाल से शुरू करते हैं, उससे थोड़ा आइडिया रहेगा ना हमें। अप्रोच समझिए, स्टेप वन, आप फाइनल टेम्परेचर को टी एफ मान लीजिए, फिर आप सबके लिए लिखिए एम एस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, सबको जोड़िए जीरो के बराबर कर दीजिए। गणित अपने आप पकड़ लेगा किसने रिलीज किया, किसने एब्जॉर्ब किया, आप ऐसे लिखेंगे तो एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेट कट के जीरो हो जाएगा, तो ये इक्वेशन सही है। आप क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री आप जीरो के बराबर कर दीजिए। अच्छा अब देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा होता आपके पास, यानी 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर कितने पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और यहां पे ऐसे एक और मान लेते हैं क्या कि 20 ग्राम वाटर, 20 ग्राम वाटर कितने मान लेते हैं हम, कुछ 60 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, आपसे पूछा गया बताइए टी फाइनल कितना होगा। अब कैसे करेंगे हम, मान लेंगे भाई साहब ये टी फाइनल सबसे बड़ा है, जो कि गलत बात है, हमने मान लिया टी फाइनल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो आप क्या लिखेंगे, इसने जो हीट ली होगी वो कितनी होगी, एम वन एस वन टी फाइनल माइनस टी वन, सिमिलरली जो इसमें हीट होगा दैट इज एम टू एस टू टी फाइनल माइनस टी टू इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो इतना, इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो इतना, तो ऑब्वियसली एक तो हीट एब्जॉर्ब करे, एक रिलीज करेगा, जो रिलीज करे अपने आप वो टर्म नेगेटिव बन जाएगी। कैसे बनेगी देखिए, एम वन की वैल्यू पुट करते थे ये बन गया 10, स्पेसिफिक हीट तो दोनों की सेम आती है आपके पास, दैट इज 1 वाटर है ना, टी फाइनल माइनस टी वन, टी वन कितना 30, प्लस यहाँ पे एम कितना है 20, स्पेसिफिक हीट कितना है ये 1 हो गया आपके पास, यहाँ पे आ गया टी फाइनल या फिर टी बोल देते हैं टेम्परेचर फाइनल को माइनस 60 इज इक्वल टू जीरो, सही। अब आप यहाँ पे देखिए ये जीरो से यहाँ पे कट गया, तो ये आया टी माइनस 30 प्लस वो आ गया 2t माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे 3t कितना बन गया बच्चों, 150 बन गया, तो टी की वैल्यू कितनी 50 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर मिक्सर का 50 डिग्री होगा। अब गणित को पता था कि भाई यहाँ पे तो ये टर्म तो पॉजिटिव आएगी, पर ये बनेगा 50 माइनस 60, तो अपने आप ये टर्म क्या आ जाती है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। दो में तो आपको समझ में आया अच्छा ये एब्जॉर्ब करेगा ये रिलीज करेगा, पर तीन लिक्विड जब मिक्स होंगे तो आपको दिक्कत आएगा, इसी वजह से अपने ये अप्रोच कर रहे हैं, ये एक अप्रोच से पूरे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फाइनल टेम्परेचर आप कुछ टी एफ मान लेंगे, फिर आप मान लीजिए इस हिसाब से एक्सप्रेशन लिखिए भी सबके सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा, कोई एब्जॉर्ब कर रहा है कोई रिलीज कर रहा, तो गणित अपने आप उसको सही कर देगा। आप ये मान के लिख दीजिए कि सबके सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया, आसान था, छाप लीजिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों उसी अप्रोच पे सवाल है जैसा हमने सीखा है, सवाल में क्या बोला गया, 20 ग्राम वाटर है आपके पास में 40 डिग्री सेल्सियस पे, और 10 ग्राम ऑयल है आपके पास में 80 डिग्री सेल्सियस पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है आपको 1, दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल भी गिवन है 3, आपसे बोला गया कि दोनों मिक्स किया तो बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, करके बताइए सवाल।
हाँ भी हुआ, तो हम ये बोले फाइनल टेम्परेचर कुछ टी बन गया ना आपके पास में, तो आप बोले कोई एक हीट देगा कोई हीट लेगा, तो अपने वो झंझटे पड़ते ही नहीं, हम मान लेते सबके सब हीट लेंगे तो उनका नेट सम कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आप लिखेंगे एम एम वन एस वन टी माइनस टी वन लिखेंगे आप, सिमिलरली एम टू एस टू टी माइनस टी टू लिखेंगे, ये टी टी फाइनल है ना आपके पास, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। वैल्यू पुट करते हैं, एम वन की वैल्यू 20 स्पेसिफिक हीट है, वन टेम्परेचर फाइनल कुछ टी मान लिया इनिशियल था 40, प्लस एम टू की वैल्यू है 10, एस टू की वैल्यू अब की बार 3 है, और यहाँ पे आ गया टी माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखते क्या टेम्परेचर आता है, तो यहाँ पे इस जीरो से ये वाला जीरो साफ हो गया, उधर चला जाएगा, तो ये बन गया 2t-80 प्लस यहाँ बन गया 3t-240 इज इक्वल टू जीरो। सही, अच्छा ये वैल्यू कितनी बन गई 5t, 5t की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5t आ गया 320, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 320/5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 64 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो जवाब आएगा आपका 64 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, तो ये तो अभी तक हमने दो मिक्सिंग का किया ना, मान लीजिए तीन लिक्विड है आपके पास में, उसका फाइनल टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए आपके पास में एक नया सवाल करते हैं, ये छाप लिया क्या आपने, ये हो गया था आपसे, जिसका आंसर है 64 डिग्री। अभी एक और सवाल करते हैं, इसमें तीन लिक्विड मिक्स करते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास में 10 ग्राम वाटर है, कितने डिग्री पे, कोई भी टेम्परेचर मान लीजिए कुछ 10 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आपके पास में एक और लिक्विड है वो कितना है 20 ग्राम H2O, कितने पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे, एक और लिक्विड है आपके पास वही पानी ही है वो कुछ 30 ग्राम H2O, कितने पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप तीनों को मिक्स कर दीजिए, अब की बार जो हमने सीखा वो हेल्प करेगा आपकी, इसमें दो में आप देख के बता सकते हैं कि एक रिलीज करेगा एब्जॉर्ब करेगा, इसमें दिक्कत होता है फाइनल कितना आएगा, जैसे फाइनल आपके पास में 50 से कम आएगा 50 ज़्यादा आएगा, तो थोड़ा दिक्कत होता है देखने में। तो आप मान लीजिए फाइनल टाइम कुछ TF बनेगा और सबके सब हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स से पुट कीजिए, मैथमेटिक्स अपने आप आपको जवाब देगा। बताइए बच्चों फाइनल टाइम कितना बनेगा इस वाले केस में, हाँ भी हुआ, तो हम वही करेंगे इसमें, हम भी मान लीजिए सबके सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन ऐसी बनेगी एम वन एस वन टी फाइनल माइनस टी वन प्लस एम टू एस टू टी फाइनल माइनस टी टू प्लस एम थ्री एस थ्री टी फाइनल माइनस टी थ्री, ये सब किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तो अगर आप लिख रहे हैं एम वन की वैल्यू थी आ गई 10, सब पानी है स्पेसिफिक हीट वन हो जाएगा आपके पास, टी फाइनल हो गया, टी इनिशियल कितना है आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 10 कर दिया। इसमें अगर आप देखेंगे दैट इज एम टू 20 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट वाटर ही है, कोई दिक्कत नहीं, टी फाइनल टी मान लेते हैं, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है इसका 50 डिग्री सेल्सियस, प्लस ये एम थ्री आ गया 30, ये आ गया 1, T-80 इज इक्वल टू जीरो। अब आपको सोचना ही नहीं पड़ा भाई, सब कौन एब्जॉर्ब करे कौन रिलीज करे, आप इक्वेशन लिखो तो अपने आप ये बता देगा अभी फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा, नहीं तो अब वैसे जाते कि भाई ये एब्जॉर्ब करे रिलीज करे, तो आप पता ही नहीं ना कौन एब्जॉर्ब कर रहा है कौन रिलीज कर रहा है, तो मान लीजिए सबके सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो नेट एब्जॉर्ब तो जीरो ही होगा भाई, सब पर सबके सब एब्जॉर्ब कर नहीं सकते ना कुछ, अगर आप बोले नेट एब्जॉर्ब करें तो कहाँ से करें, सराउंडिंग से तो कोई हीट आ ही नहीं रही, तो नेट एब्जॉर्ब जीरो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली कुछ एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, जो पॉजिटिव आ रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो नेगेटिव आ रहा है वो रिलीज कर रहे हैं, तो हमने एब्जॉर्ब के हिसाब से इक्वेशन लिखी तो बात बन जाएगी आपकी। अब देखिए ये जीरो जीरो और जीरो हमने उड़ा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे है टी माइनस 10 प्लस यहाँ पे है 2t-100 और यहाँ पे आपके पास है 3t-240, दैट विल बी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गई 60, दिस इज बिकम 60, तो यहाँ पे बन गया ये वाली वैल्यू, सही है। अच्छा तो सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आ गया 2 3 आ गया, ये एक्सप्रेशन आएगा आपके पास, तो टेम्परेचर आ गया आपके पास, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर इज इक्वल टू 175/3 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ रहा है आपके पास, तो ये कुछ आ रहा है
अप्रोक्सीमेटली ये टेम्परेचर कितना दिखाई देगा बच्चों आपको, तो 3, 5, 2, 58 डिग्री के आसपास आ रहा है ना, 58 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब फाइनली क्या हो रहा है, ये तो हीट को रिलीज कर रहा है क्योंकि इसका 80 था, फाइनल बन गया 58, तो ये रिलीज कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है और ये एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ में आ गया। तो अब फाइनल टेम्परेचर देख के आप बता पाए ना, अच्छा फाइनल टेम्परेचर 58 आ रहा है, मतलब इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा, इसका भी बढ़ेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, इसका घट रहा है तो ये रिलीज करेगा, सिर्फ ये रिलीज कर रहा है, ये दोनों बाकी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पर आप जब ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको फाइनल जवाब यहाँ पे मिल जाता है, फिर आप टेम्परेचर देख के आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन रिलीज कर रहा है कौन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये अपने एक और सवाल करते हैं तीन लिक्विड के मिक्सिंग का, फिर अपने थोड़ा आगे बढ़ेंगे, छाप लीजिए इसको। बच्चों सवाल आपके सामने है, आपको तीन फ्लूड्स दिए गए हैं, ये फ्लूड ए है, फ्लूड बी है, फ्लूड सी है। फ्लूड ए वाटर है, फ्लूड सी भी वाटर है, यहाँ पे कोई ऑयल है आपके पास में ना, तो आप देख लीजिए डाटा। ए वाले में 20 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें 10 ग्राम ऑयल है 60 डिग्री सेल्सियस पे, और इस पर कुछ 10 ग्राम वाटर है एट 90 डिग्री सेल्सियस पे ना। अब इन तीनों को मिक्स कर दिया ना आपने यहाँ पे से, तीन तीनों फ्लूड्स को मिक्स कर दिया, तो फाइनल टेम्परेचर पहले बताइए कितना आएगा, फिर आप ये बताइए भाई साहब ईच सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब या फिर रिलीज करेगा, इतने बताया फाइनल टेम्परेचर कितना है, और साथ में वो ये बताना भाई हर सब्सटेंस इसमें से कौन हीट एब्जॉर्ब करेगा कौन रिलीज करेगा और कितनी करेगा, ये भी आपको बताना है, करके बताइए। हुआ सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं फाइनल टेम्परेचर कितना है ना, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर अपने आइडिया लग जाएगा वैसे कौन रिलीज करेगा कौन एब्जॉर्ब करेगा। तो मैंने लिखा M1 स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, और टेम्परेचर फाइनल को टी माइनस 50 डिग्री प्लस यहाँ पे लिखा जाए 10 स्पेसिफिक हीट कितनी इस बार 2 है, और यहाँ पे वैल्यू है T-60। ऑयल डिफरेंट डिफरेंट ऑयल की डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मैंने वैसे ही कोई रैंडम डाटा उठाया है ना ऑयल की स्पेसिफिक हीट, ऐसा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें इस एम स्पेसिफिक हीट वाटर है तो 1 ही होगी, और ये अगर T-90 डिग्री सेल्सियस, इससे आपको आइडिया लग जाएगा फाइनल टेम्परेचर कितना है, फिर वहाँ से हम इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये 0, ये 0 और ये 0, तो यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, यहाँ पे कितना बढ़े 2T-100 प्लस यहाँ पर 2T-120 और यहाँ बन गया T-90, दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा वैल्यू देखते हैं ये, तो ये 2, ये 4 और ये 5, तो टोटल आ गया 50 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये आपके पास, दिस इज बिकम 8 9 2 1 0, दैट इज 310, दिस इज 310, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये 310 आ गया। तो टेम्परेचर कितना आ गया 5, तो टी की वैल्यू आ गई 62 डिग्री सेल्सियस, सही है, यदि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा अब 62 डिग्री आ गया, तो अब आप क्या बोलेंगे, 62 डिग्री आया ना फाइनल टेम्परेचर, 62 आ गया। अच्छा अगर फाइनल टेम्परेचर 62 डिग्री आ गया तो आप देखिए इससे टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, दिस विल एब्जॉर्ब, इससे भी ज़्यादा है तो ये भी क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, और ये क्या करेगा रिलीज करेगा, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे फॉर लिक्विड ए, अगर आप बात करें लिक्विड ए, तो ये क्या कर रहा है आपके पास में, एब्जॉर्ब कर रिलीज कर रहा है, एब्जॉर्ब हीट, और कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एम की वैल्यू है 20, स्पेसिफिक हीट है 1, और टेम्परेचर फाइनल कितना है 62 माइनस 50, अरे सही, तो ये वैल्यू कितनी आ गया आपके पास में, 20 मल्टीप्लाई 12, तो कितना है 240 कैलोरी, 240 कैलोरी, तो ये वाली जो टर्म की वैल्यू आई वो 240 आ गई ना आपके पास, ये वैल्यू आ गई 240। अब आगे देखते हैं लिक्विड बी की बात करते हैं, लिक्विड बी का टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है सर, पहले 60 था अब 62 हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट को लेना पड़ेगा, तो क्या बोलेगा एब्जॉर्ब हीट, ये भी हीट को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा कितनी हीट है आपके पास, मास कितना है आपके पास 10, स्पेसिफिक हीट कितनी हुई भाई, स्पेसिफिक हीट 2 है। अच्छा टेम्परेचर फाइनल कितना है 62, इनिशियल कितना था 60, तो ये बन गया भाई साहब 2 और यहाँ पे 20, दैट इज 40 कैलोरी, तो ये 40 कैलोरी क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी जो वैल्यू है इस वाली टर्म की वैल्यू, इस वाली टर्म की वैल्यू ये आ रही है 40, ये दोनों प्लस प्लस आ रही है ना, बिकॉज ये टेम्परेचर बड़ा आ रहा है आपके पास, ये टेम्परेचर 62 है तो इससे ही बड़ा है और इससे ही बड़ा है। अभी इस बारे में चलते हैं, अगर आप बात करेंगे लिक्विड 3 के लिए, लिक्विड सी के लिए,
कितना का हीट आपके पास, इट इज एम एस टी माइनस इनिशियली 90, ऐसा कुछ आ गया। तो एम की वैल्यू आपके पास में आएगी 10, एस की वैल्यू आएगी 1, और टेम्परेचर कुछ कितना है 62 ना, तो ये बन गया 62 माइनस 90, 62 माइनस 90। अच्छा यार ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, ये 28 बन गया आपके पास, दिस इज बिकम 10 मल्टीप्लाई 28, सही। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ये माइनस में आ रही है ना, ये वाली वैल्यू माइनस में, दिस इज माइनस 280 कैलोरी। मतलब ये सी क्या कर रहा है आपके पास, रिलीज कर रहा है, वो तो हमने पहले ही फील कर लिया था फाइनल टेम्परेचर देख के, बिकॉज पहले था 90 अब हो गया 62, मतलब हीट रिलीज करे तब ना टेम्परेचर घटेगा। अब देखिए तो ये वाली वैल्यू आ रही है आपके पास, दिस वैल्यू इज माइनस 280। अब देखिए मैथमेटिकली अपने आप सही कर ले रहा है, यहाँ पे 240 था, यहाँ पे 40 था, तो ये नेट पॉजिटिव का बन गया 280, वहां पे -280, देखिए नेट जीरो आ रहा है। तो हम जब ये मान लेते हैं सबके सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई एब्जॉर्ब कर रहा है कोई रिलीज कर रहा है। तो अगर हमने सब एब्जॉर्ब करे, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको ये मैथमेटिक्स पॉजिटिव लिखेगा, और जो रिलीज कर रहा है उसको आपके पास नेगेटिव लिखेगा। तो आपको सोचना नहीं है, फाइनल टेम्परेचर निकाल लीजिए, फिर आपको दिखाई दे जाएगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्लियर था, तो ये ब्रॉड पिक्चर थी आपके पास में इस चीज की, आई होप आपको चीज चमक की होगी, ठीक है, छाप लीजिए इसको। पहले बार सवालों के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर सवाल है, एक बार आप सवाल गो थ्रू कर लीजिए क्या बोल रहा है। आपको बोला गया तीन लिक्विड है, उनके मासेस सेम है, पर लिक्विड डिफरेंट है ना, लिक्विड सेम नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली डिफरेंट डिफरेंट होगी। टेम्परेचर गिवन है आपको, जब ए और बी को मिक्स किया 13 डिग्री टेम्परेचर है, बी और सी को मिक्स किया 16 डिग्री टेम्परेचर है, तो बताइए जब ए और सी को मिक्स करेंगे तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, करके देखिए बच्चों ना, अच्छा सवाल है, अटेम्प्ट मारिए इसको। मैं इस सवाल को कर रहा हूँ, अगर आपने अभी नहीं किया है, अभी तो आप छाप ही रहे होंगे, तो आप स्क्रीन को पोज करके छाप लीजिए, फिर आप अटेम्प्ट कीजिएगा ना, अच्छा सवाल है, टाइम आपको देना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे थ्री लिक्विड्स बनाते हैं, इसका नाम कुछ ए, इसका नाम कुछ ऐसे बी, और इसका नाम कुछ सी, ऐसे थ्री लिक्विड्स बना दिए। इसकी स्पेसिफिक हीट है कुछ S1, इसकी स्पेसिफिक हीट है S2, इसकी स्पेसिफिक हीट S3, बिकॉज सवाल में आपको डिफरेंट लिखा हुआ है ना, तीनों की अलग अलग होगी। अच्छा टेम्परेचर गिवन है, इसका इनिशियली कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, इसका कितना है आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोला गया, ए और बी को मिक्स किया, पहले अपने ए और बी को मिक्स करते हैं, तो टेम्परेचर देखते हैं कितना आएगा। तो फाइनल टेम्परेचर कुछ T1 मान लेता हूँ फाइनल टेम्परेचर, या फिर T0 मान लेता हूँ ना, T0 मान लेता हूँ। तो अब कितना का, दैट इज एम सेम है, S1 T0 -10 प्लस M S2 T0 माइनस कितना रहा बच्चों आपके पास, दिस इज 15, ये जीरो होना चाहिए। अब जो फाइनल टेम्परेचर है वो गिवन है आपको, वो कितना है आपके पास 13, तो आप इसको यहाँ पे 13 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, M तो साफ हो गया आपके पास, तो यहाँ पे बन गया S1 3S1, T0 के 13 पुट कर दी, 3S1 बन गया, प्लस S2 यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे कितना बन गया -2 बन गया, दैट विल बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, 3S1 इज इक्वल टू 2S2, ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गई पहली बात से जो इसने बोला था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है अगर आप ऐसे S2 और S3 को मिक्स कर रहे हैं, तो फाइनल टेम्परेचर कितना बनता है आपके पास, यहाँ पे जो फाइनल है टी फाइनल वो बनता है आपके पास 16 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप लिखिए दैट इज MSB 16 -15 प्लस MSC, इसकी स्पेसिफिक हीट 2 3 लिखा हुआ है, इसको 2 लिख देता हूँ, इसको कुछ 3 लिख देता हूँ, दैट इज 16 -20, दैट इज -4, इट इज बिकम 0, ठीक है। यहाँ पे एम एम यहाँ पे साफ हो गया, तो ये तो बन गया S2, और ये बन गया -4S3, ये कितना बन गया 0 बन गया। तो S2 कितना आ गया आपके पास, S2 आ गया 4S3, ये आपके पास दो नंबर इक्वेशन बन गई। अब सवाल में क्या बोला, सवाल में बोला कि हमने एक्चुअली ए और सी को मिक्स किया है। अब अगर आप ए और सी को मिक्स करेंगे बच्चों, तब देखिए क्या होगा। तो फाइनल टेम्परेचर कुछ T- मान लेता हूँ मैं, अब मैं क्या लिखूंगा, दैट इज MS1 T- -10 प्लस MS3
और टी डैश माइनस 20 दैट विल बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए अपने को अब की बार ए और सी को मिक्स किया ना, तो ए की स्पेसिफिक हीट है S1 और सी की स्पेसिफिक हीट है S3, हमने ऐसे कर दिया। अब हमने यहाँ पे एम से एम को उड़ा दिया, टी डैश की वैल्यू निकालनी, तो मैं लिखा दैट इज S1 टी डैश माइनस 10 प्लस S3 टी डैश माइनस 20। अब भाई सब दिक्कत हो गया। अब दिक्कत कैसे हो गया, यहाँ पे S1 और S3 दोनों ही नोन नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इनमें से आप S3 को S1 की फॉर्म में लिख लो। S3 कितना है यहाँ पे, S3 यहाँ से आया आपके पास 4S2 बाय S3 कितना है 4, दैट इज सॉरी S3 आपके पास में आया S2 बाय 4, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं S2 की वैल्यू, तो S2 कितना है आपके पास, S2 है 3S1 बाय 2। तो हम यहाँ पे S2 की वैल्यू पुट करें ताकि S1 और S3 में रिलेशन मिल जाए, फिर मैं S3 को S1 से रिप्लेस कर दूंगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 3S1। अब S2 की वैल्यू हमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे दिस विल बिकम 3S1 बाय 2 बाय 4। देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, S2 की वैल्यू उठा के वहाँ पर डाल, दैट इज 3S1 बाय 2 आपने लिख दिया, तो कितना है आपके पास, दिस इज 3S1 बाय 8। S3 आया आपके पास में 3S1 बाय 8, तो ये बन गया S1 टी डैश माइनस 10। S3 कितना बन गया, 3S1 बाय 8 और टी डैश माइनस 20 दैट विल बी इज इक्वल टू 0। इस S1 ने इस S1 को उड़ा दिया, हम ये चाहते हैं भाई S कट जाए, S यहाँ पे ना रहे आपके पास, तो कितना गया, दैट इज 8 टी डैश माइनस 80 प्लस 3 टी डैश माइनस 60 इज इक्वल टू 0। समझ में आ, दैट इज 8 टी डैश माइनस 80 3 टी डैश माइनस 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बजट इज 11 टी डैश इज इक्वल टू 140, तो टी डैश की वैल्यू आ गई 140 बाई 11। तो अगर आप इसको मिक्स करने जाएंगे तो ये टेम्परेचर बनेगा, दैट इज 140 बाई 11 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, पर आप इसे कर सकते थे, और आई होप आपने कर भी लिया होगा, ठीक है बच्चों, छाप लीजिए इसको। बच्चों हम ये सीख चुके थे कि मान लीजिए आपके पास जो सब्सटेंस है वो अगर सेम फेज में होंगे तो उनकी मिक्सिंग करने के बाद में हम कैसे प्रोसीड करते हैं, वो सब सवाल हम देख चुके थे। अभी हम बात करेंगे जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फेज में सब्सटेंस को मिक्स किया जाएगा, जैसे मान लीजिए हो सकता है एक आइस और वाटर हो, इससे पहले क्या था, या तो सिर्फ वाटर था या फिर सिर्फ आइस हो सकता है या फिर सिर्फ स्टीम हो सकता है। जितने भी आप मिक्सिंग कर रहे थे इससे पहले उन सब में क्या था, आपके पास फेज सेम था। ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई जब, कि इससे पहले जो भी हमने पढ़ा है उस वाले केस में सबका फेज क्या होना चाहिए, सेम, जिनको भी आप मिक्स कर रहे हैं उनका फेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार भाई साहब फेज आपके पास में डिफरेंट होगा, तो मे बी हो सकता है कोई एक आइस हो या फिर कोई एक एक आइस और एक वाटर को मिक्स कर रहे हैं, दोनों का फेज डिफरेंट डिफरेंट है, एक सॉलिड फेज में एक लिक्विड फेज में, या फिर ऐसा भी हो सकता है स्टीम और आइस को मिक्स कर रहे हैं तो एक वेपर फॉर्म में है और एक सॉलिड फॉर्म में है, तो अब की बार फेज और डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैं आपको ये इसकी अप्रोच समझाता हूँ कैसे करना है। तो हम एक प्रॉब्लम की हेल्प से ही करते हैं ना, आपको बोला गया दो आइटम को मिक्स किया गया, एक क्या था आपके पास में, एक था आइस, कितने पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, कितना मास है इसका, 10 ग्राम मास है, ठीक। फिर यहां पे ऐसे आपने एक वाटर मिक्स, इसमें पानी पानी मिक्स कर दिया, H2O लिख देता हूँ, छोटा लिखा जाएगा H2O, कितने पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, कितना, 20 ग्राम। अब इन दोनों को आपने मिक्स कर लिया। सबसे पहले आपको दिमाग में एक बात चमकनी चाहिए कि अब की बार आप मिक्स कर रहे हैं तो अब क्या फेज डिफरेंट डिफरेंट है, तो पुराने वाली अप्रोच नहीं सही बैठेगी, बिकॉज यहाँ पे बीच में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी तो आएगा आपके पास में, तो वो आप डायरेक्टली तब करते हैं जब आपके पास में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपोरेशन नहीं आ रहा था। कुल मिला के जब सेम फेज में थे तब आप पहले वाली अप्रोच लगाएंगे, अगर डिफरेंट फेज में होगा तो कैसे करें, देखिए। अब सबसे पहले क्या कीजिए, सुनना मेरी बात उसे ढंग से, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कैसे इस तरीके से सवाल आप करेंगे। सबसे पहले आप एक आइडिया लीजिए भाई सब क्या हो सकता है, अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होने के चांसेस लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई दोनों मिलकर स्टीम बन जाएंगे, ऐसा लग रहा है दोनों, ये बर्फ है ये पानी है मिलेगी स्टीम बन जाएंगे, नहीं। या तो हो सकता है भाई सब दोनों मिलकर पानी बन जाए, या फिर हो सकता है भाई दोनों मिलकर आइस बन जाए, या फिर हो सकता है कुछ आइस और कुछ वाटर बन जाए, कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हमें लग रहा है भी जहां पे जा सकता है, एक रेफरेंस पॉइंट पे चल लेते हैं, हम दोनों को एक रेफरेंस पॉइंट पे लेके चलते हैं। सुनना, सबसे पहले हम क्या करें, दोनों को रेफरेंस पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो मैंने बोला यार ये भी ठंडा होगा कुछ, तो इसको भी 0 डिग्री वाटर पे लेके चलता हूं, इसको भी 0 डिग्री वाटर पे लेके चलता हूं, वहां से आगे देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले आप एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ लो, तो आप आइडिया रहे, जैसे अब इन दोनों का रेफरेंस स्टीम तो नहीं हो सकता ना, या तो बर्फ होगा या फिर बर्फ प्लस पानी होगा या फिर पानी होगा, तो हम एक काम करते हैं टेम्परेचर कम होगा तो हम एक रेफरेंस पे चल लेते हैं, और वो रेफरेंस हम मान लेते हैं कि हम 0 डिग्री वोटर पे चले जाते हैं एक बार दोनों तरफ से। अगर आप यहां से जाएंगे 0 डिग्री वोटर पे, अब दोनों जगह से हमने यहां पे रेफरेंस क्या डिसाइड किया, रेफरेंस हमने डिसाइड कर लिया,
रेफरेंस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो अब दोनों को आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लेके चलिए। तो अब इसको लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आइए इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे से चले आइस है -10 डिग्री पे। अब पानी में कैसे जाएगा, जो हमने पहले किया था अब उसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही बताया था जो हमने अभी पढ़ा था पहले उसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर इसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या बन जाएगा, ये वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखते हैं इसमें कितनी कितनी हीट निकली होगी। तो ये फेज चेंज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फेज चेंज। अच्छा, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। तो इस वाले केस में अगर आप देख रहे हैं, दैट विल बी क्यू जो हीट होगा, दैट इज एम, एम की जगह कितना आ जाएगा बच्चों 10, एस की वैल्यू कितनी हाफ, टेम्परेचर डिफरेंस कितने का 10 का, तो कितना 50 कैलोरी। हीट निकला या फिर हीट लिया, क्या क्या किया इसने, इसने हीट एब्जॉर्ब किया या हीट रिलीज की। अगर आप देखेंगे इसको यहां तक आने में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे रिलीज, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है ना, बर्फ जब हीट एब्जॉर्ब करी तब ना पानी में जाएगी, तो ये एब्जॉर्ब की मतलब ये एब्जॉर्ब हो रहा है आपके पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितनी हीट लगेगी, दैट इज एम 10 ग्राम मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो कितना है आपके पास में, वो होता है 80 कैलोरी। तो कितना है आपके पास, 800 कैलोरी। समझ में आ गया। तो अगर आप देखें टोटल हीट रिलीज कितना हुआ, यहाँ पे टोटल हीट रिलीज कितना हुआ आपके पास, दैट इज 850 कैलोरी। ठीक है, जो भी हीट रिलीज होगा आप उसे कैसे लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। और जो भी हीट टोटल हीट एब्जॉर्ब हुआ ना, ये टोटल हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ, 850। अब जो भी हीट आपके इसमें एब्जॉर्ब होगा खा गया ना, तो आप उसे नेगेटिव की तरह लिखिए, और जो भी हीट रिलीज होगा उसका पॉजिटिव की तरह लिखिए। मैं इस सवाल करने का तरीका समझा रहा हूँ एक बार आपको। तो हमने क्या बोला, अगर आपके इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप उसे कैसे लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। और अगर आपके पास में हीट रिलीज हो रहा है तो आप उसे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखिए। तो आप इसको क्या लिखेंगे, क्यू नेट को। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्यू कितना है आपके पास, दैट इज -850 कैलोरी लिख दिया हमने। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम बस एक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि हमें रेफरेंस पॉइंट पहुंचना था, तो हमने बोल दिया भाई साहब इसको 0 डिग्री वाटर पहुंचने में इतनी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब इसके पास चलते हैं। यहाँ पे आपको कहाँ पहुंचना है, रेफरेंस है 0 डिग्री वाटर पे, तो इसको 0 डिग्री वाटर पे पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पानी बन गया 20 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप हीट कितना रिलीज होगा आपके पास, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एम एस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना गया 40, दैट इज 800 कैलोरी। तो ये हीट क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ कि रिलीज हुआ, ये हीट रिलीज हुआ। तो अगर आप देखेंगे हीट रिलीज, हीट रिलीज तो कितना है आपके पास 800, और रिलीज को क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। अरे समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास में जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, जो हीट आपके पास में एब्जॉर्ब हो रहा है उसे आप नेगेटिव लिखेंगे, और जो रिलीज हो रहा है उसका पॉजिटिव लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ा था वहाँ पर आ गए थे, इतनी बस सही है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्यू नेट देखिए, क्यू नेट क्या रहा? अब देखिए, अब क्या हो गया आपके पास में, ये भी पानी बन गया, ये भी पानी बन गया 0 डिग्री पे। तो अब आपके पास सैंपल में क्या बचा, अब इन दोनों सैंपल देखिए नेट क्या बचा आपके पास, अब नेट बचा देखिए, ये भी पानी पे है, ये भी 0 डिग्री पानी पे। अब आप इन दोनों को एक जैसा मान सकते हैं, तो यहां पे था 10 ग्राम और यहां पे 20 ग्राम, टोटल कितना 30 ग्राम वाटर है आपके पास, 30 ग्राम वाटर है। अब सैंपल में ऐसा बन गया, अब आप देखिए क्यू नेट कितना बचा आपके पास, क्यू नेट आपके पास में कितना आ गया, यहां पे आ गया -850 और यहां पे आ गया +800। फाइनल वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, -50 कैलोरी आ रहा है ना आपके पास, क्यू नेट क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। जब क्यू नेट आपके पास में नेगेटिव आएगा, अगर मान लीजिए आपके पास में क्यू नेट पॉजिटिव आए, ये तो हीट एब्जॉर्ब से सही था। अगर मान लीजिए इफ क्यू नेट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, जितनी हीट आपके पास में फाइनली आई है वो उस सिस्टम को दे दो, गिव द हीट, गिव the heat to the system। समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास में ऐसा हो जाए, इफ क्यू नेट इज पॉजिटिव, सॉरी इफ क्यू नेट इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, टेक द हीट फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम क्या बन गया, देखिए सबसे पहले आप रेफरेंस पे लेके आते हैं, रेफरेंस पे लेके आते हैं तो आप देखते हैं क्यू नेट की वैल्यू कितनी, क्यू नेट की वैल्यू आ गई। अब रेफरेंस में दोनों एक जैसे, इन दोनों को मिला के एक बना दिया, कितना 30 ग्राम वाटर। अब फाइनल वैल्यू कैसे है आपके पास में, नेगेटिव आई। अगर फाइनल वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब क्या है, अब इस सेटअप से आपको 50 कैलोरी हीट लेना है, इस सेटअप से क्यों नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब इससे हीट क्या करना है, अब आपको लेना है। तो अब आप देखेंगे अगर आप इससे 50 कैलोरी लेंगे, ये क्या आपके पास 30 ग्राम वाटर है, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे,
30 ग्राम वाटर किस पे आपके पास? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, अगर आप इससे हीट लेंगे तो हीट लेने से क्या होगा भाई साहब? हीट लेने से 0 डिग्री से अगर आप हीट ले रहे हैं तो कुछ पानी के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो, सारा तो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा ना, कुछ पानी क्या हो जाएगा आपके पास में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर देखिए 0 डिग्री पे पानी है आपके पास में पूरा, अब इससे और हीट लेंगे टेम्परेचर घट नहीं सकता, पहले क्या होगा आइस में कन्वर्ट होगा। तो आप इससे कितनी हीट लेंगे? अब आप इससे हीट जो लेंगे दैट इज 50 कैलोरी। अगर आप 50 कैलोरी लेंगे तो क्या होगा, कुछ पार्ट इस वाटर का आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा? तो एम मल्टीप्लाई 80 में कितना पार्ट कन्वर्ट होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम भाई। आपने कितनी हीट ली? 50 हीट ली, तो कितना मास कन्वर्ट होगा, दैट इज एम मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल 50 लिखा जा सकता है। एम कितना आ जाएगा? 5/8 ग्राम। तो फाइनल जवाब क्या होगा अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे? अगर आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आएगा 5/8 ग्राम। तो आइस बचेगा आपके पास, और क्या बचेगा? पानी बचेगा। पानी कितना होगा आपके पास? दैट इज 30 - 5/8, 30 - 5/8 8 ग्राम वाटर कितने पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये पहला सवाल थोड़ा टफ हो गया, मतलब अगर पहले सवाल में हम इसको ऐसे रख देते कि आपके पास है फाइनल रिजल्ट, मतलब आइस और वाटर दोनों ना आके एक रिजल्ट आता तो आसानी से हो जाता, पर ठीक है आप इतना समझ सकते हैं। मैं वापस समझा रहा हूँ, बात को समझिए। जब भी ऐसा सवाल दिखाई दे, जब आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट फेज मिक्स हो रहे हो, तो आप सबसे पहले तो आप एक रेफरेंस पे पहुंचिए। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस डिसाइड किया 0 डिग्री वाटर, आप देख लीजिए भाई सब पता है भाई, पानी पानी एक आइस है एक पानी है, तो कम ही हो रहा होगा टेम्परेचर, तो हम 0 डिग्री रेफरेंस पे पहुंच गए। तो कोशिश कीजिए या तो आप 0 डिग्री वाटर पे पहुंच जाइए, या फिर 0 डिग्री आइस पे पहुंच जाइए, या फिर 100 डिग्री वाटर पे, या फिर 100 डिग्री स्टीम पे। ये 4 पॉइंट आप रेफरेंस लेके चला कीजिए जनरली। तो हम यहाँ पे पहुंच गए भाई साहब कि ये भी 0 डिग्री वाटर पे आ गया, ये भी 0 डिग्री वाटर पे आ गया। तो इसने हीट एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया आपके? 850। तो मैंने बोला 850 हीट एब्जॉर्ब किया। जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो माइनस सिग्नल, इसको माइनस लिख दिया। इसने हीट रिलीज किया तो इतना किया। अब क्यू नेट देखा, क्यूनेट देखा तो कितना है? -50। अब देखिए ये भी आपके पास वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी वाटर है, तो इन दोनों मिला के एक मान लिया, कितना? 30 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्यूनेट कैसा आया? क्यूनेट आया आपके पास में नेगेटिव। जब क्यूनेट नेगेटिव आता है इसका मतलब क्या है? अब आपको सिस्टम से हीट लेनी है। अब ये जो फाइनल सिस्टम बना इसे हीट लेनी है। अगर ये क्यूनेट +50 आता इसको हीट देनी पड़ती। अभी क्या आ रहा है आपके पास में? क्यूनेट नेगेटिव आ रहा है, मतलब सिस्टम से हीट लेनी है। अब आप सोचिए 0 डिग्री पे पानी है आपके पास, उससे हीट लेंगे तो वो पानी किस में कन्वर्ट होगा? आइस में कन्वर्ट होगा। कितना पानी कन्वर्ट हो जाएगा आइस में? तो आपने कितनी हीट ली है? 50 कैलोरी हीट ली है। तो एम मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करूंगा तो मुझे पता लग जाए कितना पानी आइस में कन्वर्ट हो गया, इतना पानी आइस में कन्वर्ट हो गया। तो 5/8 ग्राम आइस बचेगा आपके पास और बचा हुआ पानी होगा 235/8 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये अप्रोच है। क्या अप्रोच है? सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट पे पहुंचना है। अगर आपके पास में हीट रिलीज हो रहा है तो आप उसे पॉजिटिव लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है उसे नेगेटिव लिखेंगे, फिर आप फाइनल क्यू नेट निकालेंगे। अगर फाइनल क्यू नेट, क्योंकि आप दोनों को सेम जगह पे ले आए तो अब आप इन दोनों को मिला के एक सिस्टम मान सकते हैं, आपने एक सिस्टम मान लिया। अब अगर फाइनल क्यू नेट आपके पास में पॉजिटिव आता है, मतलब इस सिस्टम को उतनी हीट दे दीजिए जो क्यू नेट के बराबर है, और अगर फाइनल सिस्टम में क्यू नेट नेगेटिव आता है तो उस सिस्टम से उतनी हीट ले लीजिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम से हम इसको सीख जाएंगे, थोड़ी और प्रॉब्लम्स करते हैं तो उससे आपको और बेटर आइडिया लगेगा। छाप लीजिए इसको बच्चों, इसी पे अपने और सवाल करते हैं, और ये वाली चीज़ है ना आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। जैसे पहले सवाल में थोड़े बहुत डाउट्स आपको रह गए होंगे, अब इसको और करेंगे, एक दो सवाल करें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये सवाल पहले वाले थोड़ा सा आसान पड़ेगा, आप इसे करके देखिए कि क्या जवाब आ रहा है आपके पास। अगर आपके 10 ग्राम आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पर, 30 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप अप्रोच से जाइए। सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, कहाँ मानिए? 0 डिग्री सेल्सियस वाटर रेफरेंस मान लीजिए, वहाँ पे लेके चलिए दोनों को, फिर देखिए किसने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया, किसने कितनी रिलीज की है। ठीक है, फिर जब ये आपके पास में हो जाए कि कितनी एब्जॉर्ब या फिर कितनी वो है, तो आप जो एब्जॉर्ब होगा उसको माइनस लिखिएगा, जो रिलीज हुआ उसे पॉजिटिव लिखिएगा, फिर क्यू नेट निकालिएगा, फिर एक सिस्टम में फाइनल मास देख लीजिए अभी कितना बन रहा है। फिर अगर क्यू नेट पॉजिटिव आ रहा है आपके पास में तो आप उतनी हीट दे दीजिएगा, नेगेटिव आ रहा है तो उतनी हीट ले लीजिएगा। करके देखिए एक बार,
हाँ भी हुआ। तो सबसे रेफरेंस दिखा, रेफरेंस क्या लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे इस वाले केस में, जो रेफरेंस लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लेके चल देते हैं, बिकॉज आपको ऐसा ही आइडिया लग रहा है अभी ये -5 है, ये 50 है, तो टेम्परेचर अप्रोक्स ऐसा ही कुछ आएगा -5 से 50 के बीच में कहीं पे आएगा। तो रेफरेंस हमने 0 डिग्री पे वाटर पे लेके चल दिया हम रेफरेंस। अब इसको आप लेके चलिए यहाँ पे, सबसे पहले क्या बनेगा, आप इसको 0 डिग्री वाटर पे लेके चल, सबसे पहले बनेगा 10 ग्राम आइस एट कितने बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर क्या बनेगा आपके पास में वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सही, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है ना इस वाले केस में, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। अच्छा ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये तो आपके पास में क्यू इज इक्वल टू एम एच डेल्टा थीटा से होगा, एम की वैल्यू 10, एस की वैल्यू हाफ, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 5, तो ये कितना आ गया आपके पास 25 कैलोरी। ठीक, यहाँ पे अगर देखेंगे तो फेज चेंज हो रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू कितना है, कितना मास है 10, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 80, तो कितना आ गया आपके पास 800 कैलोरी। तो अब ये बताइए यार, इसने हीट क्या किया, रिलीज किया या एब्जॉर्ब किया, ये हीट क्या हुआ होगा, एब्जॉर्ब हुआ ना, तो आप देखेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ बच्चों आपके पास 825 कैलोरी। अच्छा इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो क्या लिखा जाएगा, हीट एब्जॉर्ब को क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, तो -825 कैलोरी। यार इसने इतना एब्जॉर्ब किया तो ये उतना रिलीज करना चाहिए, अगर उतना रिलीज नहीं करेगा तो लास्ट में हम देखेंगे क्या होगा। तो अभी हम वापस इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो डायरेक्टली पहुँच जाएंगे 30 ग्राम वाटर कितने पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या आएगा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा कितना का 1500 कैलोरी। तो ये क्या हुआ, ये हीट रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, ये रिलीज हुआ ना, ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है मतलब हीट रिलीज हो रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें तो हीट रिलीज कितना है आपके पास, हीट रिलीज हो गया आपके पास है 1500। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको पॉजिटिव लिखते हैं, हीट रिलीज को हम पॉजिटिव लिखते हैं, हीट एब्जॉर्ब को नेगेटिव लिखते हैं। क्यू नेट कितना आएगा आपके पास, क्यू नेट आपके पास में आएगा हीट रिलीज और एब्जॉर्ब इनको जोड़ देंगे, दैट इज 1500 -825, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 500 और 675 आएगा ये। ठीक है, इतना आ गया। अभी क्यू नेट कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, क्यू नेट कैसा आपके पास पॉजिटिव है। अब आप देखिए सिस्टम क्या बन गया, ये भी 0 डिग्री पे वाटर पे, ये भी, तो इन दोनों को मैं एक बोल सकते हैं। तो अब आपका सिस्टम ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको क्या सिस्टम दिखाई दे रहा है, 40 ग्राम वाटर हो गया आपके पास, 40 ग्राम वाटर कितने पे आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्यू नेट कैसा आ गया, क्यू नेट आ गया पॉजिटिव। अगर क्यू नेट पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या, इस सिस्टम को इतनी हीट देनी है, तो हमने इस सिस्टम को इतनी हीट दी, हीट गिवन कितना है इस सिस्टम, और हीट कितना गिवन किया हमने 675 कैलोरी। अब आप सोचिए आपके पास पानी है 40 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आप इसको हीट देंगे तो अब हीट देने से ये बर्फ बनेगा या टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा भाई साहब, अब बर्फ बनते हीट लेना पड़ता। तो अच्छा अगर आप इसे अब इसको हीट देंगे तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो देख लेते हैं, दैट इज 675, दैट इज क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 675, एम की वैल्यू 40, एस की वैल्यू 1, और चेंज इन टेम्परेचर हमें निकालना है, तो कितना आ गया 135 आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए डेल्टा थीटा कितना है, डेल्टा थीटा आ गया आपके पास 135/8 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, तो इनिशियल कितना था 0 था, इतना चेंज हो जाएगा, तो फाइनल जवाब क्या होगा, फाइनल जो इसका आंसर होगा तो हम क्या बोलेंगे 40 ग्राम वाटर, मतलब वाटर रहेगा आपके पास कितने पे एट 135/8 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा इस सवाल का।
तो जो अप्रोच मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, हम वही अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और वहां तक लेके आते हैं। तो जो हीट रिलीज कर रहा होता है उसे पॉजिटिव लिखते हैं, जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे नेगेटिव लिखते हैं। फिर क्यू नेट को देखते हैं। क्यू नेट अगर आपके पास पॉजिटिव आता है तो जो फाइनल सिस्टम है उसको हीट देंगे, और अगर क्यू नेट नेगेटिव आता है तो फाइनल सिस्टम से हीट लेंगे। इसका रीजन भी आप बहुत इजीली देख सकते हैं। देखिए, आपने ये बोला भाई साहब कि मतलब आप इन दोनों को 0 डिग्री पे ले आए, दोनों 0 डिग्री पे ले आए, तो इसने जो हीट रिलीज किया वो इतना था और इसने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो इतना था। पर एक्चुअली अगर आप देख रहे हैं तो फाइनली हुआ क्या, जितना ये हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना ये हीट रिलीज करेगा। तो आपको समझ में आ रहा है यार, यहाँ पे जो आपके पास में हीट रिलीज है वो ज़्यादा आ गया, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, ज़्यादा हीट आ गया तो वो हीट वापस देंगे, हम वो वाली हीट उसको वापस दे रहे हैं ताकि जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई उतनी हीट रिलीज हो जाए आपके पास। तो इस वाले फंडामेंटल को हमने प्रॉब्लम के रूप में या फिर एक सिस्टम के रूप में हमने सेट कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप एक प्रोसेस से आप इसमें इजीली कर पाएँ इसको। समझ में आ रहा है? छापिए फिर अपने दोस्त, एक दो सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे थोड़ा और समझ में आएगा आपको। बच्चों वैसे ही सवाल है जैसा आपने किया था, प्रैक्टिस के लिए आपको गिवन है। अब की बार क्या आपके पास में स्टीम है 110 डिग्री सेल्सियस पे और 20 ग्राम वाटर है आपके पास में 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स किया गया। अब फेयर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसी अप्रोच से जाना पड़ेगा। रेफरेंस क्या माने, यहाँ पे 0 डिग्री बनना पॉसिबल है क्या, 0 डिग्री वाटर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो अब रेफरेंस 0 डिग्री वाटर ना माने, कितना मान लीजिए 100 डिग्री वाटर मान लीजिए। आप चार रेफरेंस पिक करने की कोशिश किया कीजिए हमेशा, या तो 0 डिग्री वाटर, या फिर 0 डिग्री आइस, या फिर 100 डिग्री वाटर, या फिर 100 डिग्री स्टीम। तो अब आपको लग रहा है भाई साहब कि कुछ 100 मतलब सबसे पास कौन है, सबसे पास 100 वाला ही पास होगा शायद, क्योंकि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 110 के बीच में आना, 0 तो आना ही नहीं है। तो आप 100 डिग्री वाटर पे लेके चल जाइए रेफरेंस। तो हम रेफरेंस यहाँ पे लिख देते हैं ताकि सब एक ही तरीके से कर पाए हम। रेफरेंस आप यहाँ मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, ठीक है, इसको प्रोसेस कीजिए। हाँ भी हुआ। तो हम क्या करते हैं, हमने रेफरेंस डिसाइड कर लिया कि 100 डिग्री वाटर है। अब बस इसको पहले 100 डिग्री पे लेके चलते हैं। सबसे पहले स्टीम है ना आपके पास, तो ऐसे जाएगा पहले, पहले ये बनेगा स्टीम एट, पहले स्टीम बनेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर आपके पास में क्या बनेगा, वाटर बनेगा एट, सॉरी वाटर यहीं पे लेके आना था। अब हीट देखिए इसमें कितनी हीट निकलेगी, एम एस स्पेसिफिक हीट कितना होता है स्टीम का, हाफ, तो 10 कैलोरी आ गया। सही, यहां पे चलते हैं तो कितना निकलेगा आपके पास, दैट इज एम मल्टीपल रेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगा ना आपके पास, तो एम की वैल्यू है 2 और रेटेड हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 540, तो कितना 1080, तो टोटल हीट आ गया 1090। तो ये हीट क्या होगा, ये रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, बॉडी ठंडी हो रही है गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, हीट रिलीज होगा। तो आप बोलेंगे हीट रिलीज, हीट रिलीज्ड कितना हुआ आपके पास, दैट इज 1080। और हीट रिलीज को क्या लिखते हैं हम, नेगेटिव लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं, हीट रिलीज को पॉजिटिव लिखते हैं। मतलब ऐसे फील कीजिए, कुछ मिल रहा है तो अच्छा है ना, कुछ ले रहा है तो नेगेटिव है, ये दे रहा है तो अच्छा है, पॉजिटिव लिखा हमने इसको। अच्छा अब आप देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर आप इसको 100 डिग्री पे लेके चले तो डायरेक्टली पहुंच जाएगा ये, आप यहाँ पे लेंगे इसको 20 ग्राम वाटर किस पे, 100 डिग्री पे। तो यहाँ पे अगर आप हीट देखेंगे कितनी हीट आएगा, दैट इज एम एस और टेम्परेचर डिफरेंस कितने का 80, तो कितना गया 1600 कैलोरी, ये क्यों। सही, तो इसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब्ड किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड तो कितना है 1600, कुछ खा रहा है तो ये नेगेटिव होना चाहिए ना, ये समझ में आ गया। अब क्यू नेट, अब सिस्टम में क्या बन गया, ये भी 100 डिग्री पानी बन गया, ये भी 100 डिग्री पानी बन गया, तो टोटल कितना बन गया सिस्टम, बन गया 22 ग्राम वाटर। सिस्टम क्या बन गया बच्चों, 22 ग्राम वाटर कब, एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इन दोनों सेम टेम्परेचर पर ले। अब यहाँ पे क्यू नेट देखते हैं, क्यू नेट कितना आ रहा है आपके पास, तो क्यू नेट आ रहा है 1080 - 1600। सही है ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास,
तो ये 520 माइनस 520 कैलोरी क्यू नेट ऐसा आ रहा है। अब माइनस आया, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब अब आपको इससे हीट लेनी है। अगर आप फाइनल वाले केस में जब हम देखते हैं, जो जैसा क्यूनेट जैसा आया, अगर क्यूनेट आपके पास पॉजिटिव आता है तो सिस्टम को हीट देनी होती है, और क्यूनेट नेगेटिव आता है सिस्टम को हीट लेनी होती है। तो अब आपके पास नेगेटिव आया मतलब टेक 550 कैलोरी हीट फ्रॉम इट। अगर आप इससे हीट लेंगे 550 कैलोरी तो क्या होगा, अगर आप इससे हीट लेंगे तो हीट लेने से क्या होगा भाई साहब, अगर हीट लेंगे तो इसका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। अब ये 0-100 डिग्री पे वाटर है, अगर आप इससे हीट लेंगे तो इसका टेम्परेचर अब कम हो जाएगा डायरेक्टली, बिकॉज फेज चेंज तो होना ही नहीं ना आपके पास। तो आप कह रहे हैं क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 520, एम की वैल्यू कितनी है 22, एस की वैल्यू 1 और डेल्टा थीटा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो कितना गया 11 आ गया, तो यहाँ पर 2, ठीक है। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू जो आपके पास में 260 डिवाइड बाई 11, इतना टेम्परेचर का डिफरेंस आया, इतने टेम्परेचर का डिफरेंस आया। तो यार फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर फाइनल अगर आप देखेंगे तो 100 माइनस 260 डिवाइड बाई 11 यही आएगा, इतना डिफरेंस आया ना, तो पहले था 100, तो अब कितना हो जाएगा, दैट इज 100 माइनस 260 बाई 11, तो कितना बन गया आपके पास, दैट इज 1100 माइनस 260 डिवाइड बाई 11, ठीक है। अभी कितना बन गया आपके पास 840 बाई 11, 840 बाई 11 डिग्री सेल्सियस। तो आपका फाइनल जवाब क्या होगा, फाइनल जवाब हुआ वाटर एट कितना टेम्परेचर 840 बाई 11 डिग्री सेल्सियस, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस चीज का, क्लियर। तो यहां पे साइन में थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इस वाले के जो आप ऐसे करें, अगर आपको हीट मिल रहा है तो आप उसे पॉजिटिव लिखेंगे, हीट ले रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे। फिर अगर क्यूनेट आपके ऐसे पॉजिटिव आता है, फिर क्यूनेट अगर आपके ऐसे पॉजिटिव आ गया, मतलब आपने जो हीट ली थी वो ज्यादा आ गई, तो वापस देनी पड़ेगी उसको। और अगर ये आपके क्यूनेट नेगेटिव आया था, मतलब जो हीट इसने ली है वो ज्यादा है, तो उससे वापस मांगनी पड़ेगी। तो आप ऐसे समझिए, सिर्फ इतनी सी बात समझिए, अगर क्यूनेट आपके पास से पॉजिटिव आ जाता है, जो फाइनल सिस्टम बने उसको हीट देनी है, हमने वहां पे लिखा भी था। और अगर आपके पास में क्यूनेट पॉजिटिव आ जाता है, मतलब इस सिस्टम को हीट देनी है। अब क्या है, नेगेटिव आया तो मैंने बोला इस सिस्टम से हीट लेता हूं, अगर इस सिस्टम से हीट लूंगा तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है, चमक की बात। तो फाइनल जवाब आपके आपके सामने है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, ठीक है, छाप लीजिए इसको, फिर अपने एक और सवाल करेंगे। अपने अभी इस मिक्सिंग का लास्ट सवाल कर रहे हैं, तो सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा अच्छा भी है सवाल, तो आप इसको अटेम्प्ट करके बताइए क्या जवाब आ रहा है आपके पास, क्या क्या है। 10 ग्राम आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, 5 ग्राम स्टीम है 110 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। रेफरेंस क्या मानेंगे, रेफरेंस एक डिसाइड कर लीजिए, ताकि आप जो करें मैं जो करूँ उसका आपको सेम दिखाई दे। क्या रेफरेंस मानेंगे, मतलब क्या दिख रहा है, बस स्टीम ज़्यादा हीट देगा आपको, तो मतलब गर्म बहुत ज़्यादा है ना ये, मतलब स्टीम के पास अच्छी खासी एनर्जी होती है, तो हम मान लेते 100 डिग्री वाटर मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस आप मान लीजिए, वो आपके ऊपर, आप कुछ भी मानेंगे तो रिजल्ट नहीं बदलेगा, पर ठीक है जितना सही रेफरेंस रहेगा उतनी कम कैलकुलेशन मिलेगी। रेफरेंस पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है आपके पास, चाहे तो आप 50 डिग्री पे मान सकते हैं वाटर, पर ठीक है स्टैंडर्ड वाले थोड़े आसान रहते हैं, थोड़ा सा सही रहता है कैलकुलेशन करने में। ठीक है बच्चों, मैं इसको कर रहा हूं, अगर आपने नहीं किया स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आप अटेम्प्ट कीजिए ढंग से। हम चलते हैं 100 ग्राम पे, सबसे पहले ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 ग्राम, ये आइस बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर क्या बनेगा, ये फिर बनेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या बनेगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सही है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो हीट कितना आएगा आपके पास, दैट इज एम
एस की वैल्यू हाफ और टेम्परेचर डिफरेंस 10 का है आपके पास, तो 50 कैलोरी। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है तो हीट कितना आएगा आपके पास, 10 मल्टीप्लाई 80 दैट इज 800 कैलोरी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट इज क्यू एम एस और डेटा थीटा कितने का, 100 का, तो कितना बन गया 1000 कैलोरी। सही, तो इसने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, रिलीज किया, इसने एब्जॉर्ब किया बिकॉज बर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है ना आपके पास, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड कितना है आपके पास, दैट इज 1850 कैलोरी। और हीट एब्जॉर्ब को हम कैसा लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं, तो 18 माइनस माइनस 1850 कैलोरी। अब इस वाले केस में चलते हैं, स्टीम वाले केस में, इसको लेके चलते हैं 100 डिग्री वाटर पे। तो अगर आप इसको 100 पे लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले पहले बनेगा स्टीम एट 0 डिग्री सेल्सियस, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर बनेगा आपके पास में वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सही, तो इस वाले में फेज चेंज हो रहा होगा, आइए इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां पे देखेंगे तो आएगा क्यू इज इक्वल टू एम एस की वैल्यू हाफ, डेटा थीटा कितने का, 10 का, तो ये आपके पास बन गया 25 कैलोरी। सही, ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे फेज चेंज हो रहा है ना, तो फेज चेंज कितना है, 5 मल्टीप्लाई 540, इतने अगर सोल्व कर कितना का, 0। तो अगर आप देखेंगे हीट रिलीज है ना ये आपके पास में, तो हम क्या लिखेंगे, हीट रिलीज कितना हुआ आपके पास, हीट रिलीज्ड कितना हुआ यार, यहाँ पे वो 270 थी, कितना है, 2725 कैलोरी। इसको क्या लिखेंगे, इसको पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। अब सैंपल देखिए, सैंपल क्या बन गया, दोनों 100 ग्राम, दोनों ही आपके पास 100 डिग्री पे पानी है, तो ये हो गया टोटल 15 ग्राम वाटर। फाइनल क्या बन गया, 15 ग्राम वाटर कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखते हैं क्यूनेट कैसा आ रहा है, क्यूनेट अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव आ गया 2725 और 2725 और नेगेटिव कितना है आपके पास, नेगेटिव है 1850, 1850। सॉल्व करते हैं कितना बनेगा, ये यहाँ पे ये बन गया 2725, 1850, तो 5 बन गया, यहाँ पे 7 बन गया आपके पास, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 है ना, तो ऐसे 8 बन गया आपके पास, ऐसे कुछ बनेगा, 875 आ रहा है आपके पास, 875 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये क्यू नेट आ गया। अब देखिए अगर क्यू नेट आपके पास से पॉजिटिव आता है तो क्या करना पड़ता है, क्यू नेट पॉजिटिव मतलब हीट देना है, मतलब आपको ने जो हीट मतलब जो एब्जॉर्ब करा ज़्यादा करवाया, तो अब आपको हीट देना है इसके अंदर, अरे समझ में आ रहा है, तो आप इसको हीट देंगे तो आप कितना देंगे, आपने बोला सर इसको गिव 875 कैलोरी हीट टू दिस। अगर आप इसे हीट देंगे तो हीट देने से क्या होगा बच्चों, हीट देने से भाई साहब टेम्परेचर अब डायरेक्टली बढ़ नहीं सकता, वेपर में जाएगा पहले, तो कितना वेपर बनेगा, तो आप देखिए एम मल्टीप्लाई 540 इज इक्वल टू 875, बिकॉज पूरा सा वेपर 875 कैलोरी से 15 ग्राम वाटर तो आपके पास में स्टीम नहीं बन सकता, कितना बनेगा वो हमने देख लिया, तो कितना बन गया 875 डिवाइड बाई 540 कैलकुलेट थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 5 ऐसा कुछ बन रहा है, 175 डिवाइड बाय 108 ग्राम, तो फाइनल जवाब क्या होगा, 175 ग्राम स्टीम एंड रिमेनिंग पानी होगा, रिमेनिंग कितना है, 15 माइनस 175 डिवाइड बाय 108 ग्राम वाटर, कितने टेम्परेचर पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी अच्छा सवाल था आपके पास में, पहला और फोर्थ वाला सवाल, ये दोनों अच्छे थे आपके पास, तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तरीका समझ में आना चाहिए, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ऐसा क्यूनेट पे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्यूनेट पॉजिटिव आएगा तो हीट सिस्टम को देना है, ये मैंने आपको पहले लिखवाया भी था ना फर्स्ट वाले सवाल में, ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आपने जो यहाँ पे सिस्टम से हीट ली, यहाँ पे सिस्टम से हीट दी उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, और जो सिस्टम को हीट दी है वो वैल्यू कम है, तो बची हुई हीट तो आपके पास एक्स्ट्रा रहेगी ना, तो वापस देनी पड़ेगी उसको, इस वजह से हम जो पॉजिटिव आता है उसको बोलते हैं कि आप सिस्टम को हीट दे दीजिए, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए अपने एक पैटर्न बना रखा है कि जो हीट आपके पास में एब्जॉर्ब कर रहा है उसको आप नेगेटिव लिखिए, जो दे रहा है उसको पॉजिटिव लिखिए, फिर अगर आपके पास में क्यूनेट पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो फाइनल सिस्टम उसको हीट देनी है, और अगर क्यूनेट नेगेटिव आ रहा है उसे सिस्टम से हीट लेनी है,
ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरीके के सवाल में जैसे नीट में क्या पूछ सकता है, जो पहले वाला पार्ट था जिसमें फेस सेम था उसके पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसमें पूछेगा तो ऐसा नहीं रहेगा भाई कुछ पार्ट स्टीम कुछ पार्ट वाटर जैसे इसमें जवाब आ रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, सिंपल थोड़ा रहेगा आपके पास। पर हमने टफ से टफ कर लिया इसमें, ताकि कभी भी कोई गहरा सवाल आए तो आप इसे फंसे नहीं। तो आप पहले सवाल अटेम्प्ट करने से पहले पहले चेक कर लीजिएगा कि कौन सा केस है, मतलब जितने भी सब्सटेंस है उनका फेस सेम है या नहीं है, पहले आप ये चेक कर लेंगे और उसके बाद में आप आगे प्रोसीड करेंगे। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, और जो अच्छे से अच्छे लेवल का सवाल इसमें हो सकता था वो अपने ने कर लिया। तो आपको नए सवाल करने की बजाय पहले ही जो लास्ट के चार सवाल करें इनको आप खुद से एक या दो बार वापस करके देख लीजिए। अगर आप एक दो बार इसको वापस कर देंगे ना, इन चार सवालों को ही वापस कर लेंगे, तो आपकी कमांड आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ नए सवालों के पीछे मत भागिएगा, पहले ये जो चार सवाल अपने क्लास में किए हैं इन्हीं को आप कर लीजिएगा ढंग से एक बार। ठीक है बच्चों, तो कैलोरीमेट्री वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।